दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। 12 मार्च 2020 से साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका आपस में 3 मैचों की बहुत ही शानदार वनडे सीरीज खेलने वाले हैं। और अभी कुछ देर पहले ही साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने इन 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अफ्रीकी टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यीय यहां पर टीम चुनी गई है और टीम में बहुत सारे चौंकाने वाले बदलाव भी किए गए हैं। और इस वीडियो में हम अफ्रीका टीम के पूरे स्क्वाड्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से हराए, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस सीरीज के पूरे शेड्यूल एंड वेन्यूज की। तो इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 12 मार्च को धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 15 मार्च को लखनऊ के मैदान पर खेला जाएगा, उसके बाद तीसरा व अंतिम वनडे मुकाबला 18 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाना है। टाइमिंग की हम यहां पर बात करते हैं तो भारतीय समय अनुसार ये तीनों ही वनडे मुकाबले दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीकी टीम के स्क्वाड्स की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले ही भारत के खिलाफ होने वाली इन 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अफ्रीका टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यीय यहां पर टीम चुनी गई है, बहुत सारे चौंकाने वाले बदलाव भी स्क्वाड्स में किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन बड़े बदलाव की जो इस सीरीज के दौरान हमें साउथ अफ्रीका टीम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव हमें यहां पर कैप्टनसी में देखने को मिला है। फाफ डु प्लेसिस ने कैप्टनसी से इस्तीफा ले लिया था, जिसके बाद क्वेंटम डिकोक को इस सीरीज के लिए नया कप्तान अफ्रीकी टीम का चुना गया है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फाफ डु प्लेसिस और वेंडर डसन की भारत के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज में वापसी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इंजरी के चलते भारत के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज से कगिसो रबाडा को बाहर रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे बदलाव की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस सीरीज में पहली बार साउथ अफ्रीका की ओडीआई टीम में जॉर्ज लिंडे को मौका मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें बदलाव की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अफ्रीकी टीम के मेन स्पिनर तब्रेज शम्सी ने भी फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते अब भारत के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज में खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकन टीम के पूरे स्क्वाड्स की। तो भैया यहां पर 15 सदस्यीय टीम है, जिनमें 4 प्रॉपर बल्लेबाज मौजूद है, जो है टेम्बा बुमा, रेशी वेंडर डसन, फाफ डु प्लेसिस और डेविड मिलर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो 3 ऑलराउंडर्स के साथ यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम उतरने वाली है, जो है जे समर्ट्स, जॉर्ज लिंडे और एंडिले फ्लुकवायो। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की। तो 3 विकेट कीपर्स के साथ यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम इस वनडे सीरीज में उतरने वाली है, जो है क्वेंटम डिकोक, काइल वेरियन ने और हेनरिच कलाशेन। उसके बाद हम बात करते हैं गेंदबाजों की। तो 5 गेंदबाजों के साथ यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम उतरने वाली है, जो है लुंगी एंगिडी, लुथो शिपामला, बैरून हेंड्रिक्स, हेनरिच नोटज और केशव महाराज। तो कुछ ऐसी 15 सदस्यीय टीम यहां पर साउथ अफ्रीका की भारत के खिलाफ होने वाले इन 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए होने वाली है। बहुत ही खतरनाक स्क्वाड यहां पर साउथ अफ्रीकन टीम की, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इस वनडे सीरीज में बहुत ही तगड़ी टक्कर देने वाले हैं। भारतीय टीम का भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम का ऐलान होगा तो सबसे पहले आपको वीडियो क्रिकेट इंडिया पर ही मिलने वाली, इसलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।